स्टेट बाउंड्री करांडला फॉरेस्ट रेंज में सोमवार को वन विभाग को और एक बाघिन का शव मिला। रविवार को जंगल से बाघ का शव बरामद हुआ था। बाघ का शव बरामद होने के बाद वन विभाग ने मृतकों को इकट्ठा करने के लिए ऑपरेशन चलाया था, जिसमें शव बरामद हुआ। वन विभाग के कर्मचारी सोमवार की सुबह गश्त पर थे, तब उन्हें उसी स्थान पर एक बाघिन का शव मिला, जहां पर बाघ मृत अवस्था में पाया गया था। बाघिन की पहचान T4 के रूप में की गई, जिसकी उम्र 6 से 7 वर्ष के बीच है। घटना स्थल के पास जंगली सुअर का भी शव बरामद हुआ है। वन विभाग को अंदेशा है कि सुअर का मांस खाने की वजह से दोनों की मौत हुई है। संभावना है कि जंगली सुअर को खेतों में आने से रोकने के लिए उसे जहर दिया गया हो, जहर देने के बाद उसकी मौत हो गई हो। इसी दौरान विचरण करते हुए बाघिन का जोड़ा शव के पास पहुंचा हो और उसने मांस खा लिया हो। जिस जगह से बाघिन का शव बरामद हुआ है, वहां से कृषि क्षेत्र शव से 200 मीटर की दूरी पर है। बहरहाल वन विभाग ने बाघिन की मौत की जांच के लिए समिति का गठन किया है। फॉरेंसिक जांच के लिए जंगली सुअर का नमूना भी लिया गया। लगातार बाघिन का शव मिलने से वन विभाग सकते में आ गया है। कम्युनिस्ट न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अपने सिंधी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।